बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो एज़ यू हैव हर्ड के शाहीन अफरीदी इस टूर्नामेंट से, एशिया कप से और उसके बाद इंग्लैंड वाली सीरीज से बाहर हो गया। प्रिटी अनफॉर्चुनेट एंड अ ह्यूज ब्लो टू द पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप। तो अब देखना ये है कि किसके लिए रिप्लेसमेंट आती है। मीर हमजा का नाम आ रहा है, हसन अली का नाम आ रहा है, बट आई थिंक दैट अरशद इकबाल इज़ द बेस्ट सूटेड रिप्लेसमेंट, चूँकि उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली हुई है और उसका T20s में भी रिकॉर्ड अच्छा है। और जिस किस्म की पिचेज हैं UAE की, जहाँ पे फास्ट बॉलर का जो बॉल है वो पिच पे ग्रिप होता है, उसके लिए अरशद इकबाल इज़ द आइडियल कैंडिडेट। तो अब देखते हैं PCB इस हवाले से क्या फैसला करता है, लेकिन इट इज़ डेफिनेटली अ ह्यूज ब्लो टू पाकिस्तान। और जहाँ पर हमारे 3 मैचेस होने हैं इंडिया के साथ एशिया कप में, वहाँ पर इट विल बी अ ह्यूज टेस्ट, बट एट द सेम टाइम इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द यंगस्टर्स। नसीम शाह, वो अपना पहला मैच खेल सकता है इंडिया के खिलाफ, वो उसमें इंप्रेस कर सकता है। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर हारिस रऊफ टू स्टैंड अप, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मोहम्मद वसीम कि वो किसी बड़ी टीम के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए। तो यस, इट्स अ ब्लो फॉर पाकिस्तान, बट एट द सेम टाइम इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द यंगर प्लेयर्स टू स्टेप अप। अब होता क्या है आगे देखेंगे, जब एशिया कप होगा उस वक्त फिर इंशाल्लाह बड़ी तफसीली मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।